हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए एक बहुत ही अच्छा सा थंबनेल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। हमने इसके लिए जो एप्लीकेशन यूज़ की है उसका नाम है कैनवा। कैनवा एप्लीकेशन जो है आप अपने लैपटॉप में और अपने मोबाइल फ़ोन्स में दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू। और इस एप्लीकेशन में आप मल्टीपल वर्क्स जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर हमें यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना है तो आपके पास कुछ टैम्पलेट्स भी मौजूद होंगे। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको सामने बिल्कुल नज़र आएंगे। तो उसमें से देखिए, मैंने एक टैम्पलेट चूज़ कर लिया है। इस वक्त जो मैं थंबनेल बना रही हूँ ये बेसिकली एक ट्रैवल व्लॉग वीडियो के लिए बना रही हूँ, तो लिहाजा मैंने उसके अकॉर्डिंगली एक टैम्पलेट चूज़ किया है। आप देख सकते हैं इसके पीछे न्यूयॉर्क सिटी की एक पिक्चर आ रही है और यहाँ पर अब मैं न्यूयॉर्क सिटी जो है उसको मैंने लिखा है न्यूयॉर्क। टाइटल दे रही हूँ उसके, मैंने कलर्स कोई अच्छा सा मैं चूज़ करती हूँ। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक डार्क कलर चूज़ करना है ताकि वो मेरे बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हाईलाइट हो। आप याद रखिए कि आप थंबनेल हमेशा ऐसा बनाएं उसके ऊपर जो आप फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और जो आप कलर सेलेक्ट कर रहे हैं फॉन्ट का, वो बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए ताकि आपकी जो वीडियो है वो लोग देखने पर मजबूर हों। क्योंकि थंबनेल जो होता है वो आपकी व्यूअरशिप गेन करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि जब आपका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी वीडियो को ओपन करके उसको चेक करेंगे कि हम इसको देखते हैं, इसमें क्या जो है वो बताया जा रहा है। तो लिहाजा थंबनेल जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसको जो उस पर आप कैप्शन दें, जो भी आप उस पर वर्किंग करें, वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि आपकी व्यूअरशिप जो है वो खुद ब खुद ही उससे गेन हो। तो ये आप देखिए, मैंने सबसे पहले इसका कलर चेंज किया, मैंने इसको डार्क रेड कलर किया। इसके बाद सामने ही इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं डिफरेंट। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है एलिमेंट्स का ऑप्शन। एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, इसके थ्रू आप कोई भी और स्टिकर्स वगैरह कुछ भी ऐड करना है। इसको मैं आपको आगे करके बताती हूँ। अभी मैं दोबारा टेक्स्ट में गई, मैं यहाँ से एक और मैंने जो है वो फॉन्ट सेलेक्ट किए हैं राइटिंग स्टाइल, यानी कि इसके थ्रू मैं जो है वो एक अच्छा सा कैप्शन जो है वो अपने थंबनेल में ऐड करूँगी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ न्यूयॉर्क जो है इसके बारे में कहा जाता है कि सिटी दैट नेवर स्लीप्स। तो लिहाजा मैंने ये कैप्शन जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसकी पोजीशन एडजस्ट करते हैं, इसको काम करना बहुत इजी है। आप इसको जस्ट ड्रैग करें और आपको जिस तरह से चाहिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उस तरह से आप इसको ला सकते हैं। उसके बाद हम इसकी जो है वो पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें इसे कहाँ पे सेटल करना है। मैंने इसको बॉटम में जो है वो सेंटर में बॉटम सेंटर में इसको ले आई हूँ मैं अपने कैप्शन को। इसको कलर दे दूँगी एक, मैंने इसको येलो कलर दे दिया है। इसके लिए भी मैं एक अच्छा सा इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। ओके, नॉट्स डन। अच्छा, इस तरह से देखिए साइड में जो है वो डिलीट का ऑप्शन भी है। कोई बाय मिस्टेक आपसे कोई और फॉन्ट सेलेक्ट हो जाए और आप उसको डिलीट करना चाहें तो आप जो है वो अपने राइट कॉर्नर के टॉप पर देखिएगा तो आपको एक डस्टबिन का डिलीट का साइन नज़र आएगा। आप उसके थ्रू उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये मैं एलिमेंट्स में गई। एलिमेंट्स में मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ शेप्स हैं, कुछ स्टिकर्स हैं, जो भी आपको चाहिए। जिस तरह देखिए यहाँ पर कुछ स्टिकर्स आ रहे हैं एनिमेटेड, आप इधर से कोई भी अच्छा सा स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थंबनेल। जैसे मैंने अभी देखे ये एक स्टिकर सेलेक्ट किया है, इस पर लिखा हुआ है वाओ। इस तरह आप देखें लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहे हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे से स्टिकर्स हैं, लाइक वेलकम, सैवेज, सेल, इस तरह के जो भी आपको अच्छे लगें, कूल, ऊप्स। ठीक है, जो भी आपको स्टिकर जो है वो सिलेक्ट करना है अपने थंबनेल के हिसाब से आप उसको चूज़ करके और अपने थंबनेल पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने अपने स्टिकर की पोजीशन भी थोड़ी एडजस्ट कर ली। मैं यहाँ से एक और स्टिकर उठा रही हूँ, ये मेरे ट्रैवल ब्लॉग है तो लिहाजा इस पर इस किस्म के जो स्टिकर्स हैं जैसे एंजॉय एवरी मोमेंट और जो थोड़े लाइवली से स्टिकर्स हैं वो इसके ऊपर, ये लाइवली से जो कैप्शंस होते हैं वो ट्रैवल ब्लॉग थंबनेल के ऊपर अच्छे लगते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये सारे स्टिकर्स लगाएं, मैंने अगर दो लगाएं तो आप भी दो लगाएं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह का थंबनेल आपके माइंड में, आप कोई डिसेंट सा सिंपल सा चाहते हैं तो आप जस्ट उस पर हेडिंग भी ऐड करके और उसे बना सकते हैं। मैं आपको ये सारे चीज़ें इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको कैनवा ऐप में ये सारे ऑप्शंस का पता चले कि आप इस तरह से ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए मैं आगे गई तो यहाँ पे कुछ एरोज के स्टिकर्स भी हैं, डिफरेंट एरोज बने हुए हैं। यहाँ से आप कोई एरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने थंबनेल में ऐड करने के लिए। ठीक है जी, एरो सेलेक्ट करने के बाद अब मेरा ये एरो किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, तो मैं दोबारा टेक्स्ट में जाऊंगी और मैंने यहाँ से जो है वो टेक्स्ट एरो के आगे मैं अब टेक्स्ट लिखूंगी ना, कि मैं बता रही हूँ कि मैं एरो किस चीज़ को दे रही हूँ, यानी कौन सी ऐसी मेन जो है कैप्शन है, जो टेक्स्ट है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ अब इधर। तो यहाँ पर देखिए मैं एक अच्छा सा कैप्शन ऐड कर रही हूँ अगेन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे कैप्शन ऐड कर रही हूँ, लेट्स ट्रैवल टू NK, NK मीन्स न्यूयॉर्क। ठीक है जी, और न्यूयॉर्क जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NYK या NK, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो मैंने ये ऐड कर दिया है, इसका भी मैंने कलर चेक कर लूँगी, कोई अच्छा सा ब्राइट सा कलर ले लें। ये सारे मैं आपको रिपीट अगेन एंड अगेन करके बता रही हूँ ताकि आपको इसके ऑप्शंस का जो जो इसमें फ़ीचर्स हैं हमारी ऐप के अंदर उसको आप यूज़ करना जान सकें कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टिकर्स, कैप्शंस, कलर्स, इफ़ेक्ट्स और सब कुछ। ओके, नाउ इट्स डन। और ये देखिए हमारा ये एक जो है वो थंबनेल रेडी हो गया है। अब आप देखें राइट साइड पे ऊपर टॉप पे बिल्कुल डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप किस तरह की फ़ाइल में इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं वहाँ से वो सिलेक्ट करिए और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और थंबनेल बनाना बताऊँगी, ये हमने टेम्पलेट पे वर्किंग की है, अब हम कस्टमाइज यानी ख़ुद से क्रिएट करेंगे। ख़ुद से क्रिएट करने का क्या मतलब है, यानी हम उसका बैकग्राउंड भी खुद ही सिलेक्ट करेंगे, खुद ही से बनाएंगे। अभी हमने एक रेडीमेड बैकग्राउंड जो टेम्पलेट हमारे पास था वो यूज़ किया था। तो ये देखें यहाँ ऊपर क्रिएट डिज़ाइन आ रहा है, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको क्या बनाना है। तो इस वक्त हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो लिहाजा मैं सर्च कर रही हूँ यूट्यूब थंबनेल इस वजह से सर्च किया है ताकि हमें उसी साइज़ का ही हमारी डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट हो, हमें बाद में उसका साइज़, उसकी लेंथ वगैरह, विड्थ वगैरह चूज ना करनी पड़े। ओके, ये देखिए हम आ गए हैं, हमारे पास एक ब्लैंक वाइट इमेज है। अब सबसे पहले हम अगर हम दोबारा से चाहते हैं कि हम कोई टैंपलेट पर वर्किंग करें तो देखिए हमारे लेफ्ट साइड पर सारे ऑप्शन दे रहे हैं वो टैंपलेट्स के। अगेन हम यहाँ से कोई टैंपलेट भी उठा सकते हैं, मगर इस वक्त क्योंकि हमें जो है वो वर्किंग करनी है, खुद ही हमें बनाना है, हमें कस्टमाइज थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो लिहाजा हम इसका बैकग्राउंड भी खुद ही चूज़ करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, फ़ोटोज़, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, इसके सबसे नीचे आपको नज़र आएगा बैकग्राउंड। आप इसको क्लिक करें तो ये देखें आपके पास कुछ बैकग्राउंड आ गए हैं, इसमें प्लेन बैकग्राउंड्स, कुछ और डिफरेंट तरह के फ्लोरल हैं, लाइटनिंग है, लाइंस हैं, ये सब बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड चूज़ कर लिया। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड करूंगी। ठीक है, यहाँ से मैं एक हेडिंग चूज़ कर लेती हूँ, कोई भी अच्छी सी राइटिंग फॉन्ट स्टाइल। ओके, ये वाला जो थंबनेल है ये मैं बना रही हूँ ट्यूटोरियल वीडियो के लिए बेसिकली। इसमें जो मैं थंबनेल बना रही हूँ ये जिस तरह से अभी आप वीडियो हमारी देख रहे हैं ये भी एक ट्यूटोरियल वीडियो है ना, कि हम आप इसको थंबनेल बनाना सिखा रहे हैं, इस तरह आप खुद से भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोज़। तो ये उसके हिसाब से मैं आपको एक कस्टमाइज थंबनेल बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है जी, हमने लिखा हाउ टू क्रिएट द बेस्ट। अब क्योंकि हम इसमें थंबनेल बनाना सिखा रहे हैं ना, तो लिहाजा जो वर्ड थंबनेल है उसको हम अलग से प्रोमिनेंट करेंगे किसी और फॉन्ट स्टाइल से, ताकि वो हाईलाइट हो हमारे जो पूरा थंबनेल है उसके ऊपर, और जब भी कोई हमारी वीडियो को देखना चाहे तो हमारा वो जो थंबनेल वर्ड है वो प्रोमिनेंटली उसको नज़र आए, तो वो उसको देख कर हमारी वीडियो को ओपन करे। ठीक है जी, इसको मैंने टॉप पर बिल्कुल ले गई हूँ, इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आई थिंक सो कि ये जो है वो वाइट में ज़्यादा बेस्ट लग रहा है या येलो, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है तो लिहाजा हमें कलर सिलेक्शन बहुत ऐसी करनी है कि जिसके ऊपर हमारा जो है वो जो हमारा बैकग्राउंड है उसके ऊपर हमारे जो फॉन्ट है वो क्लियरली नज़र आए। अब आप देखें ये मैंने एक और जो है वो यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, ये आप देखें ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, और इसके ऊपर अब मैं जो है वो लिखूँगी थंबनेल, ताकि जो थंबनेल वर्ड है वो प्रोमिनेंटली नज़र आए, लाइक दिस।
ठीक है जी, ये अभी हमने लिख दिया, अब हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसकी पोजीशन, इसकी जो ये देखिए यहाँ ऊपर से नज़र आ रहा है कि अगर हम इसकी राइटिंग छोटी करनी है तो हम यहाँ से माइनस के साइन को जो है वो क्लिक करेंगे, और अगर हमें बड़ा करना है अपना फॉन्ट साइज़ तो हम प्लस पे जाएंगे। ओके, ये एक बाय मिस्टेक ये वाला हमारे पास आ गया, तो इसको देखें डिलीट एलिमेंट कर दिया इस तरह से ना, क्लिक करके डिलीट एलिमेंट। ओके, ये थंबनेल देखें हमारा ये हो गया। अब ये हाईलाइट हो रहा है, इसका कलर भी मैं चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ, ये पिंक में है, मैं इसको रेड में ले आई हूँ। ओके, इट्स डन। अब इसके बाद हम इस पर और क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड मोर स्टिकर्स। हम गए एलिमेंट्स के ऑप्शन पर, अब यहाँ पर हम जो है वो वर्ड स्टिकर्स में गए। अगर आपको यहाँ से कोई स्टिकर अच्छा लग रहा है तो आप उसको जो है वो डायरेक्टली उठा लें, जैसे देखें ये एक लाइक का स्टिकर है, ये मैंने यहाँ से उठा लिया है, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से देखें आप बहुत सारे आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे, वॉट एवर यू लाइक यू कैन चूज़, ठीक है। अब देखें अब आपको कोई स्टिकर नहीं मिल रहा है यहाँ डायरेक्टली, तो आप जो है वो उसको टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आप मुझे कोई यूट्यूब आइकन का स्टिकर मैं चाह रही हूँ कि मुझे मिले ना, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी अपने पास सर्च बार में यूट्यूब आइकन्स। अब आप ये देखिए ये कितने सारे मेरे पास यूट्यूब के आइकन्स आ गए हैं, इनमें से जो भी मुझे चाहिए। इसमें और भी देखें कुछ स्टिकर्स आ गए हैं यूट्यूब से रिलेटेड, जैसे सब्सक्राइब का स्टिकर, लाइक का स्टिकर, फॉलो का, डिफरेंट डिफरेंट जो भी यूट्यूब से रिलेटेड है ना वो सारे स्टिकर्स आ गए हैं। तो इस तरह अगर आपको कोई स्टिकर खुद से चूज़ आपके माइंड में है और आपको यहाँ उसका ऑप्शन ही नज़र आ रहा है तो आप डायरेक्टली उसको सर्च बार में टाइप करिए तो आपका वो स्टिकर आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं एक एरो का स्टिकर भी उठा लेती हूँ, ये भी एक अच्छा लग रहा है, हम इसको जो है वो अपने थंबनेल या फिर कैप्शन की तरफ भी इस तरह से इसके पीछे लगा दें तो वो हमारी चीज़ प्रोमिनेंट होगी, एरो उसको शो कर रहा होगा कि हमारी जो वीडियो है वो इस टाइटल पे बेस करती है। ठीक है जी, तो इट्स क्वाइट इजी, आप इस तरह से कोई भी स्टिकर्स, कोई भी जो है वो कोई भी किसी किस्म का कोई टाइटल, कोई भी राइटिंग फॉन्ट इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन, सारे फीचर्स जो हैं वो कैनवा ऐप में आपके सामने बिल्कुल आपको नज़र आएंगे। इस वजह से मैंने आपको दो थंबनेल्स बनाना सिखाए हैं ताकि अगेन एंड अगेन मैं वो फ़ीचर्स जो है वो यूज़ करूँ अपनी थंबनेल बनाने में, तो आपको भी उन फीचर्स का आइडिया हो कि वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हमने कर लिया है अपना एरो भी एडजस्ट, आप देखें यूट्यूब की तरफ थोड़ा सा जो है वो मैंने उसकी पोजीशन रखी है। अब मैं एक और टाइटल ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं दोबारा टेक्स्ट के ऑप्शन में गई, मैं नीचे एक कैप्शन ऐड करूँगी, टाइटल तो मेरा हो गया सॉरी ऐड, अब हम कैप्शन ऐड करेंगे इसमें एक। तो मैंने यहाँ से जो है वो दोबारा एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, इस पर मैं अपना कैप्शन लिखती हूँ। अब आप जो है वो ट्यूटोरियल वीडियोस में कोई भी ऐसे अट्रैक्टिव कैप्शंस ऐड करिए कि लोग आपकी वीडियो देखें, लाइक आप इस तरह का कोई कैप्शन ऐड कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ इजी थंबनेल वीडियोस, या फिर क्रिएट योर थंबनेल इन 5 मिनट्स और 2 मिनट्स। तो इस तरह के जो कैप्शंस होते हैं ना ये बहुत व्यूअरशिप कैच करते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो आजकल चाहते हैं कि वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग कर सकें, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, वो वीडियोस को फ्रीक्वेंटली जो है वो बस चाहते हैं कि उनको जल्दी से देखें और सीख लें जो वो सीखना चाहते हैं, उनके माइंड में जो भी बात है। तो लिहाजा हम कोई ऐसे कैप्शंस अगर अपने थंबनेल पे ऐड कर लेते हैं ना तो लोग ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो को फ़ौरन से क्लिक करके वॉच करना शुरू कर देते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक कैप्शन ऐड किया, इजी थंबनेल मेकिंग ऐप। इस तरह आप भी कोई कैप्शन ऐड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि गेट योर थंबनेल इन 2 मिनट्स ओनली और इन 5 मिनट्स ओनली, और इस तरह की जो भी आपको जो है वो अच्छे लगे हैं आप इसके लिए यूट्यूब वीडियो भी देखें। तो ये देख लीजिए हमारा एक और थंबनेल जो है वो रेडी हो गया है। अब आप जो है वो हमारी कैनवा ऐप का जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फाइंड आउट करिए, और इसी तरह का अच्छा सा थंबनेल बनाइए कैनवा ऐप पे और हमारे साथ शेयर करिए व्हाट्सएप पे। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब अस।